हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 12 दिसंबर 2018 की प्रीलिम्स एडिटर सीरीज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं आज की हमारी न्यूज़ डिस्कशन की तरफ। और आज का जो पहला आर्टिकल आया है वो है राइस रिपोर्ट को लेके। राइस रिपोर्ट है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज है, वो की जाती है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि राइस रिपोर्ट है किसके द्वारा रिलीज की गई है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो राइस की फुल फॉर्म वो है रेगुलेटरी इंडिकेटर्स फॉर सस्टेनेबल एनर्जी। 2018 ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है। तो इस रिपोर्ट के देखो बेसिकली जो मैक्सिमम फैक्ट है वो फैक्ट है सॉरी वो तो है मेंस के लिए इंपॉर्टेंट। हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि राइज रिपोर्ट है किससे तो रिलेटेड है और कौन इसको पब्लिश है वो करते हैं। तो ध्यान रखना कि राइज रिपोर्ट यानी कि रेगुलेटरी इंडिकेटर फॉर सस्टेनेबल एनर्जी है, ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज की जाती है। और इस रिपोर्ट को बेसिकली अभी जो 24th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत, उसके तहत बेसिकली इस रिपोर्ट को रिलीज है वो किया गया है। अब हम थोड़ा ये भी देख लेते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या बातें की गई हैं। देखो राइज रिपोर्ट है इसमें बेसिकली इस चीज़ पर फोकस किया गया है कि वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट एनर्जी कंजप्शन कंट्रीज़ हैं वो बेसिकली अभी क्या कर रही हैं, रिन्यूएबल एनर्जी रेगुलेशन की तरफ मूव है वो कर रही हैं। मतलब जो मेन मेन कंट्रीज़ हम बात करें वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट इकोनॉमी एक तरीके से, वो एनर्जी के लिए रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सों की तरफ है मूव है वो कर रही हैं। और ये क्लाइमेट चेंज के लिए एक अच्छी बात भी, एक अच्छा प्रयास है वो भी है। तो बेसिकली इस रिपोर्ट में इस चीज़ की तरफ फोकस है वो किया गया है। तो इस रिपोर्ट के बारे में हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया है बेसिकली वो वॉयगियर इंटरस्टेलर मिशन के बारे में। कंटेक्स्ट ये है कि अभी जो वॉयगियर जो मिशन था, इंटरस्टेलर मिशन था, इसमें एक यान है जिसका नाम है बेसिकली यहाँ पे वॉयगियर यान। तो वॉयगियर यान जो टू पार्ट सॉरी जो सेकेंड इसका जो एक तरीके से हम बात करें यहाँ पे कि जो सेकंड सेटेलाइट सेकंड जो मशीन थी जिसको लॉन्च किया गया था उसकी भी बात है। ये कंटेक्स्ट उसका कुछ खास नहीं है, बस हमें ये पता होना चाहिए यहाँ पे कि वोयागेर इंटरस्टेलर जो मिशन है एक तो रिलेटेड किससे है तो हम देख लेते हैं। देखो जो ये मिशन है ये बेसिकली आपको पता है कि हमारी अर्थ के अलावा और भी हम सोलर प्लेनेट में और भी ग्रह हैं हमारे जो ब्रह्मांड में, पर जो ग्रह एक्चुअली गैस से बने हुए हैं, गैस से आपको पता है बेसिकली चार ग्रह बने हुए हैं। जो अंदर के चार ग्रह हैं वो तो आपको पता है बेसिकली सॉलिड से बने हुए हैं, मेटल से। और जो बाहरी चार ग्रह हैं बेसिकली जिसमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून आता है, ये बेसिकली गैस प्लेनेट के नाम से भी उनको जाना जाता है। और इन गैस प्लेनेट की स्टडी के लिए बेसिकली इस स्पेस यान को लॉन्च है वो किया गया था। तो ये जो सेकेंड यान है वोयागियर यान सेकेंड टू, ये बेसिकली 2013 में लॉन्च किया गया था। तो अभी ये एक्चुअली आउटर स्पेस में गया तो उसको लेके कुछ न्यूज है वो आई है। तो हम यहाँ पे ये जानते हैं कि जो वोयागियर यान के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं। देखो सबसे पहले जो वोयागियर मिशन था ये लॉन्च किया गया था 1970 में, और इसका जो पहला प्रोब था उसे मैंने आपको बताया कि 1970 में भेजा गया। काम क्या था इस मिशन का, मेन मोटो ये था कि जो सोलर सिस्टम के जो आउटर प्लेनेट हैं, जो कि आपको पता है कि आउटर प्लैनेट है बेसिकली चार, कौन कौन से हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इनकी स्टडी करने के लिए उनके बारे में डाटा को एक्सप्लोर करने के लिए मिशन है वो लॉन्च किया गया था। तो अभी जो वोयागर यान टू है वो बेसिकली नेपच्यून और यूरेनस के बारे में प्लेनेटरी स्टडी है वो करने वाला है। तो अभी हम थोड़ा कंटेक्स रिलेटेड एक न्यूज़ है उस वर्ड के बारे में हम यहाँ पे जानते हैं। देखो यहाँ पे एक वर्ड आता है हेलियोफेज, या यहाँ पे हेलियोफेज के बारे में तो हम देखते हैं कि हेलियोफेज होता क्या है। देखो आपको बताया कि जैसे ये सन हो गया और इसके बाहर में चारों जो हमारे मेन 8 ग्रह हैं वो यहाँ पे इस तरीके से फॉर्म में बने हुए हैं। अब है क्या कि जो सन की जो एरिया है एक तरीके से सन के बाहर एक बबल टाइप का है, जैसे ये तो हो गया हमारा पूरा सोलर सिस्टम हम बात करें, हमारे सारे ग्रह इसमें इंक्लूड हो गए। इसके बाद में सन का एक एरिया है कि वहाँ तक सन की जो रेज है उनका बेसिकली मेन इफेक्ट जाता है, उसको बेसिकली बबल के नाम से जाना जाता है। और उस बबल के जो बाहर का एरिया है जिसे बेसिकली हम इंटरस्टेलर विंड के नाम से जानते हैं, ये वाला एरिया। देखो ये तो हो गया सन, और इसलिए सन ने इतनी दूर में अपना एक बबल है वो क्रिएट कर रखा है, और इस बबल के बाहर वाले एरिया में यहाँ पे इंटरस्टेलर विंड है वो चलती रहती हैं। तो ये जो लेयर है यहाँ पे बेसिकली जो आउट बाउंड्री होगी, इस बाउंड्री को कहा जाता है बेसिकली हेलियोफेज। तो अभी जो यान था ना सेकेंड यान जिसको अभी लॉन्च किया गया था वोयागियर यान टू, वो बेसिकली ये जो हेलियोफेज है ना इसको यहाँ से क्रॉस करके और इंटरस्टेलर विंड वाले एरिया में चला गया है। तो उसको लेके न्यूज़ है वो आई है। दूसरे एग्जाम्पल से हम यहाँ पे फोटो से समझते हैं। देखो ये तो हो गया हमारा सन और इसके बारे में ही हो गया हमारे प्लेनेट जो चक्कर लगा रहे हैं। तो अभी जो यहाँ पे वोयागियर सेकंड यान है वो क्या कर रहा है, जो ये हेलियोस्फीयर है इसको क्रॉस करके और बाहर वाले इंटरस्टेलर स्पेस में जा रहा है।
तो हेलियोफेज क्या है? हेलियोफेज तो हो गई इसकी बाउंड्री, सीमा, और हेलियोस्फेयर क्या हो गया, ये पूरा जो बबल होगा ना सन का, जहाँ पे सन का इफेक्ट जा रहा है, जहाँ पे सन का मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड है, उस वाले एरिया को बोलते हैं बेसिकली हेलियोस्फेयर। तो यूपीएससी पूछ सकते हैं कि हेलियोस्फेयर है वो किससे रिलेटेड है, तो हमें पता होना चाहिए कि भाई हेलियोस्फेयर है वो है क्या, सन के द्वारा जो उसकी बाउंड्री है, बबल है ऑल ओवर ब्रह्मांड में, उसको बेसिकली यहाँ पे हेलियोस्फेयर के नाम जाना जाता है, और जो बाउंड्री है उस बाउंड्री को कहा जाता है हेलियोफेज। तो ये दोनों हमें डिफरेंस ध्यान में रखने हैं। तो अभी जो वैगिरियान था वो इसको क्रॉस करके बाहर चला गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो हम थोड़ा हेलियोस्फेयर के बारे में देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सन के चारों एक तरफ एक बबल टाइप का है, जिसमें बेसिकली सोलर विंड है सन की, वो फ्लो करती है। क्योंकि देखो जैसे हमें पता है कि जैसे ये फोटो देखो, ये है सन इधर, एक आप एग्जांपल मान के चलो, हाँ ये सन आपको दिख रहा है। तो सन की जो आपको पता है कि आउटर लेयर कोरोना है, वहाँ से क्या आती है विंड है वो बाहर निकलती हैं, और उनकी वजह से क्या है कई बार काफ़ी तापमान भी बढ़ता है, और वो हमारी अर्थ के टेम्परेचर भी इफेक्ट है वो डालती हैं। तो इसी तरीके से जो यहाँ से विंड निकलेंगी वो बेसिकली हेलियोस्फेयर में अपना इफेक्ट है वो डालती हैं, और ये हमें ध्यान में रखना है। तो यह हमें पता होना चाहिए कि हेलियोस्फीयर बेसिकली क्या है। हेलियोस्फीयर में क्या होता है, सन का मैग्नेटिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल्स होते हैं, इसके साथ सोलर विंड प्लाज्मा है वो अवेलेबल होता है सन का। और हेलियोफेज क्या होता है, हेलियोफेज इसकी बाउंड्री होती है। तो ये हमें बेसिक डिफरेंस है वो पता होना चाहिए। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि हेलियोफेज है वो हेलियोस्फीयर और जो इंटरस्टेलर जो स्पेस है इन दोनों को डिवाइड करता है, मतलब बीच की जो सीमा होगी ना उसको हम फेज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है अग्नि 5 मिसाइल को लेके। कंटेक्स्ट ये है कि अभी अग्नि 5 मिसाइल का एक परीक्षण है वो किया गया था, कहाँ से, ये बेसिकली किया गया था अब्दुल कलाम आइलैंड जो कि उड़ीसा में स्थित है। तो हमें ये पता होना चाहिए भाई अग्नि 5 मिसाइल के कुछ फीचर्स। एक तो देखो ये पता सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि अग्नि 5 मिसाइल है उसमें तीन तरह के हैं, तीन तरह की तीन स्टेज हैं। एक तो है सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड। तो ये हमें पता होना चाहिए कि सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड तीन स्टेज का इसमें इंजन है वो यूज है वो किया गया है। इसकी रेंज, इसकी जो रेंज है वो है 5500 किलोमीटर से लेके 8000 किलोमीटर तक। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब देखो यहाँ से अगर आपको रेंज पता तो आप एक चीज़ समझ सकते हो कि ये इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल है, मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे हम अटैक हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि 8000 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। तो ये इफेक्ट हम यहाँ पर समझ सकते हैं। बाकी स्पीड विस्पीड हमारे लिए इतनी याद रखने की जरूरत नहीं है कि 24 मैक इसकी स्पीड है, ये पता होना चाहिए कि जो इंजन है वो तीन स्टेज का है, सॉलिड स्टेट सॉलिड। इसके साथ ही हम बात करें कि जो ये न्यूक्लियर वॉरहेड लेके जाएगी उसकी कैपेसिटी है 1500 किलो तक का न्यूक्लियर वॉरहेड है वो लेके जा सकती है। लेंथ है इसकी वो है 17.5 किलोमीटर, और जो डायमीटर है वो इसके 2 मीटर। तो ये सब तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वेट वगैरह, बस हमें ये पता होना चाहिए इंजन तीन स्टेज का है और इसके साथ ही रेंज क्या है इसकी, और न्यूक्लियर वेपन को लेके बेसिकली जाती है। इसके साथ ही हमारी जो और मिसाइलें भी हैं बेसिकली अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, उनका भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो अग्नि 1 है वो बेसिकली 2012 में लॉन्च है वो की गई थी सफल परीक्षण, और उसकी रेंज है वो 700 किलोमीटर। इसके बाद में अग्नि 2 मिसाइल है उसकी रेंज है 2000 किलोमीटर, अग्नि 3 की रेंज है वो 3500, और अग्नि 4 की रेंज है वो है 4000, और अग्नि 5 की कितनी है 5500 किलोमीटर से लेकर 8000 किलोमीटर तक। तो यह चीज़ हमें पता होना चाहिए बेसिकली इसकी रेंज है वो क्या है, क्योंकि ये इफेक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ये भी हमें पता होना चाहिए, मतलब इसकी रेंज 5500 किलोमीटर से ज़्यादा, इसका मतलब इंडिया से इससे इसके द्वारा हम अटैक हैं वो दूसरे कॉन्टिनेंट के थ्रू तरफ भी कर सकते हैं, क्योंकि 8000 किलोमीटर के एरिया में हम बात करें तो यूरोप है, इसके साथ ही हम बात करें यहाँ पर और महाद्वीप हमारा अफ्रीका वो भी काउंट है वो बेसिकली हो जाता है। तो ये फैक्ट हमें ध्यान में यहाँ पे रखने हैं। अब देखो हम एक दो फैक्ट और हैं बेसिकली मिसाइल्स के बारे में, वो भी डिस्कस कर लेते हैं सभी मिसाइलों के बारे में, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5 के बारे में। देखो अग्नि 1, 2, 3 जो मिसाइल हैं ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है, गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम था लगभग 1984-85 के टाइम पर आया था प्रोग्राम, जिसमें था जिसका नाम था इंटीग्रेटेड बैलिस्टिक मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम था बेसिकली। ये हमें ध्यान में रखना है कि हमारे देश में जो मिसाइलों को डेवलप करने के लिए प्रोग्राम था जिसका नाम है IGMDP, इंटीग्रेटेड मल्टी जो डेवलपमेंट प्रोग्राम था उसके तहत, और ये ध्यान रखना है इसके तहत ही बेसिकली अग्नि मिसाइल का परीक्षण है वो किया गया था। एक तो ये ध्यान रख लेना कि अग्नि मिसाइल है उसमें न्यूक्लियर वॉरहेड को लेके जा सकता है, न्यूक्लियर वॉरहेड के लेके कैपेबल हैं। दूसरा क्या है कि ये बैलिस्टिक मिसाइल है, ये पता होना चाहिए कि बैलिस्टिक टाइप की मिसाइल है। रेंज हमने डिस्कस कर ली, एक की रेंज है 700, एक की है 2000, एक की 3500, एक की 4000 और एक की 5500। और जो अग्नि 6 मिसाइल है वो अभी
एक तरीके से टेस्टिंग की फॉर्म में चल रही है, उसकी रेंज वो उम्मीद की जा रही है कि 8,000 से 10,000 किलोमीटर के नियर बाई है वो होगी। इसके साथ ही जैसे फ्यूल के बारे में हमने डिस्कस किया कि अग्नि 5 मिसाइल है वही एक ऐसी मिसाइल है जिसमें 3 स्टेज का फ्यूल है वो यूज़ किया जाता है, बाकी सब में तो किसी में एक है किसी में दो तरह के फ्यूल है वो यूज किए जा रहे हैं। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो आया है बेसिकली डायरेक्ट टेक्निकल एडवाइजरी बॉडी के बारे में, यानी DTAB। तो देखो इसके पहले हम एक और आर्टिकल है उसको हम डिस्कस करते हैं, वो आर्टिकल हुआ है बेसिकली सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो हम ये जानते हैं कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है वो है क्या। देखो बेसिकली ये जो CDSC ऑर्गेनाइजेशन है ये आता है फैमिली एंड हेल्थ सॉरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंतर्गत। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत एक डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस है और उसके अंतर्गत बेसिकली CDSCO डिपार्टमेंट है वो आता है, और ये बेसिकली इंडिया में नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी के तौर पे काम करता है ड्रग्स के लिए। अब हम ये देखते हैं कि CDSCO का काम क्या है। देखो CDSCO है वो बेसिकली हमारे देश में जो नई ड्रग्स दवाइयाँ बनाई जाती हैं उनके अप्रूवल का काम करता है। इसी के साथ ही हमारे देश में नई ड्रग्स बनाई जा रही है तो उसके लेकर जो क्लिनिकल ट्रायल होते हैं वो उसका काम इसके द्वारा किया जाता है, और हमारे देश में जो ड्रग्स बनाई जा रही हैं उनके लिए जो स्टैंडर्ड्स तैयार करने हैं गाइडलाइंस तैयार करनी है वो इसके द्वारा की जाती हैं। इसी के साथ ही उन सबको कंट्रोल करना है, उनकी क्वालिटी को मैनेज करना है, और जो भी ड्रग्स बाहर से इंपोर्ट की जा रही है उनके बारे में जानबीन करना, उनके बारे में यहाँ पर अप्रूवल देना, वो सारे काम बेसिकली सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किए जाते हैं। मतलब हम बात करें तो इंडिया में इसका काफ़ी अहम काम होता है। इसी के साथ ही स्टेट ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ भी समन्वय है, उनको भी गाइडलाइन वगैरह जारी है वो की जाती हैं। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसका क्या है कि कुछ देखो स्पेशलाइज्ड मेडिसिन होती हैं, मतलब कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं कि जिनके लिए काफ़ी हेवी ड्रग्स का यूज़ किया जाता है, तो उनके लिए बेसिकली कहाँ उनकी एक तरीके से जो वितरण है कहाँ उसका सेल है वो की जाएगी, तो उनके लिए लाइसेंस भी प्रोवाइड करा जाता है कुछ स्पेशल कैटेगरी। जैसे कि ये हम बात करें कि ब्लड प्रोडक्ट हो गए, या फिर जैसे कि वैक्सीन वगैरह हो गया कोई ऐसा, या फिर कोई IV फ्लूड हो गया सीरिया हो गया, तो ऐसी जो चीज़ हैं जो कि मतलब काफ़ी सेंसिटिव होती हैं और काफ़ी कॉस्टली हैं, या आप बोल सकते हो कि उनका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है अगर उनका मिसयूज हो, तो उनके लिए लाइसेंस जारी किया जाता है कि भाई वो यहाँ या इस मेडिकल स्टोर से एक तरीके से परचेज है वो की जा सकती हैं। तो ये तो काम था सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब हम चलते हैं आर्टिकल की तरफ। अब आर्टिकल के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बॉडी के बारे में। तो देखो अभी हुआ क्या वो हम देखते हैं। अभी बेसिकली कंटेक्स्ट कुछ खास नहीं है, कंटेक्स्ट ये है कि एक तो नेबुलाइजर, एक ब्लड प्रेशर मॉनिटर्स और एक डिजिटल थर्मामीटर और एक ग्लूकोमीटर्स, ये जो चार बेसिकली प्रोडक्ट हैं जो कि हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड हैं, आपको उनको नाम रटने की जरूरत नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि कंटेक्स्ट क्या था कि जो ये चार प्रोडक्ट हैं ये बेसिकली अभी इनको अप्रूवल दिया गया है कि इनकी सेलिंग है वो हमारे देश में की जा सकती है, तो इसको लेके गाइडलाइंस जारी की गई हैं। तो जो ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड है जो कि आपको पता है कि हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है और जिसका काम क्या है डिसीजन मेकिंग का काम होता है और वो एडवाइस देने का काम है वो करता है टेक्निकल मैटर्स पे। तो अभी उसने अप्रूवल दे दिया कि हाँ भाई ये जो प्रोडक्ट है नेबुलाइजर हुआ, ब्लड प्रेशर मोनिटर हुआ, डिजिटल थर्मोमीटर हुआ और जो ग्लूकोमीटर हुआ, इनकी सेलिंग इंडिया में की जा सकती है। तो ये अप्रूवल है वो दिया गया अभी DTAB के द्वारा। तो ये बेसिकली कंटेक्स्ट है वो आया है। इसी के साथ ही ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है वो बेसिकली हमारे देश में जो भी ड्रग्स बाहर से इंपोर्ट की जा रही है, मैन्युफैक्चर की जा रही है, सेल की जा रही है, उनको रेगुलेट करता है। मतलब ड्रग्स को रेगुलेट करना कि भाई कितनी मेडिसिन कहाँ पैदा हो रही हैं, बाहर से कितनी इंपोर्ट करनी है, किस तरीके से एक्सपोर्ट करनी है, वो सारा काम किया जाता है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये था कंटेक्स्ट, जो न्यूज़ थी वो हमने डिस्कस किया। इसी के साथ एक आर्टिकल और था, वो था फिक्स डोजेज कॉम्बिनेशन के बारे में। देखो फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन यानी कि हम बात करें FDC मेडिसिन, ये देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती हैं और इनके साइड इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जिनमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स हमें सॉल्ट हैं मिनरल्स हैं उनका यूज़ करना पड़ता है ट्रीटमेंट के लिए। जैसे कि आपको पता है कि अगर TB है, अगर TB के अंदर काफ़ी कॉम्प्लेक्स केस हो जाते हैं तो उस कंडीशन में हमें फिक्स डोज कॉम्बिनेशन मेडिसिन का यूज़ करना पड़ता है ताकि TB से हम इलाज हैं वो संभव कर सकें। तो उन सब के लिए देखो अभी कंटेक्स्ट कुछ ये इस प्रकार है कि अभी हमारे देश में एक स्टडी हुई और उस स्टडी में ये पता चला कि हमारे देश में 110 एंटी TB फिक्स डोज कॉम्बिनेशन है वो बेचे जा रहे हैं। मतलब 110 ऐसी दवाइयां हैं जो कि TB के लिए यूज हैं वो की जा रही हैं, बट उसमें सबसे खतरनाक बात क्या है, सबसे खतरनाक बात यह है कि उन 110 मेडिसिन में से 32 मेडिसिन ही ऐसी हैं जो कि हमारे देश का जो सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है ना कि CDSCO उसके द्वारा अप्रूवल उनको मिला हुआ है। मतलब
110 में से 32 दवाइयों को ही हमारे देश में अप्रूवल मिला हुआ है, बाकी इलीगल तरीके से बेची जा रही हैं। तो आप देख सकते हो कि हमारे देश में किस तरीके से हेल्थ सेक्टर में खिलवाड़ हो रहा है लोगों की लाइफ के साथ, उसको लेके बेसिकली कंटेक्स्ट है वो आया है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या है, या तो देखो ड्रग्स हैं इनके लिए कहीं ना कहीं हम एक तरीके से कह सकते हैं कि सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड जो कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, या फिर एक तरीके से उनकी ब्लैक मार्केटिंग है, स्मगलिंग है वो हो रही है, तो उसको लेके बेसिकली काफ़ी चिंताजनक यहाँ पर बात है वो की गई है। तो हम पहले ये जानते हैं कि फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन मेडिसिन होती क्या है। देखो बेसिकली एक कॉकटेल होता है, मतलब इसमें दो या तीन तरह के जो साल्ट होते हैं जो कि एक्टिव साल्ट होते हैं उनको मिला के बेसिकली दवाई बनाई जाती है, और ये बेसिकली यूज़ की जाती है एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए। इसके साथ ही जो बेटर हम बात करें कॉम्प्लेंस तैयार करने के लिए और अच्छा रिजल्ट पाने के लिए, और एक तरीके से जो हेल्थ की जो हमारी फोकस है उसको इम्प्रूव करने के लिए, मतलब हेल्थ की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए इसका यूज है वो किया जाता है। बट इसमें नुकसान क्या हो सकता है, अगर आप ये देखिए कि बाई चांस अगर किसी ने गलती से गलत मेडिसिन ले ली फिक्स डोज कॉम्बिनेशन, इसका मतलब क्या हुआ, उसने 3-4 सॉल्ट या 1-2 सॉल्ट की मिला के टेबलेट लिए, तो वो कहीं ना कहीं एक साइड इफेक्ट के तौर पे भी काम कर सकती है, और फिर उससे हमारी बॉडी में एंटी रेजिस्टेंस बन सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें फिर और ज़्यादा रिसर्च, और ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ सकता है, या फिर उसका और भी भयानक रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन मेडिसिन हैं इनका हमें फिक्स रेगुलेटरी के तौर पे यूज है वो करना चाहिए, मतलब जहाँ इनकी ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता है कि टीबी में कई बार क्या होता है कि रेजिस्टेंस बन जाते हैं हमारी बॉडी में, तो उस कंडीशन में हमें इस डोज का यूज है वो करना चाहिए। बेसिकली जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन मेडिसिन है वो यूज की जाती है HIV, मलेरिया और ट्यूबरक्लोसिस में। आप ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि टीबी से निपटने के लिए कौन सी बेसिकली दो ऐसी मेडिसिन हैं जिनका वाइडली यूज है वो किया जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो उन दो मेडिसिन का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट उनका नाम बेसिकली हो जाता है। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।